अपने भाई राकेश गौतमबाद के लिए महसूस करते थे और उन्हें दिखाते थे कि बेटा आप हमारे हो। आज वही प्यार सम्मान आप लोगों ने मुझे भी दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और आप अपने सहयोग और आशीर्वाद मुझसे ऐसे ही बनाए रखना, मैं आपके पूरी उम्मीदों पर खरा उतर दिखाऊंगी। जो कार्य अभी अधूरे रहे हैं उन्हीं को पूरा करने के लिए मैं आगे आई हूँ और हमारा कार्य आगे चलता रहेगा और कार्य नीति आगे चलती रहेगी। बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार कुमुदनी राकेश दौलताबाद चुनाव मैदान में हैं। आज उनका स्वागत समारोह देवीलाल नगर में रखा गया था। उन्होंने वहां देवीलाल नगर में रहने वाले सभी अपने समर्थकों को अपना परिवार बताते हुए कहा, उनके पति स्वर्गीय राकेश दौलताबाद ने बहुत से कार्य करने का आप लोगों से वादा किया था, लेकिन उनके अकस्मात जाने से वो काम अधूरे रह गए हैं। मैं उन अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए आई हूं। देवीलाल नगर में जनता को संबोधित करते हुए विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी कुमुदनी राकेश दौलताबाद ने कहा कि आप मेरे कोई वोटर नहीं हैं, बल्कि मेरा आप परिवार हैं। मेरे पति के आकस्मिक निधन के कारण जो कार्य अधूरे रह गए थे मैं उनको पूरा करने के लिए आई हूँ। उन्होंने कहा, स्वर्गीय राकेश दौलताबाद द्वारा कराए गए विकास कार्यों का परिणाम है जो आज मुझे आप लोगों से इतना प्यार मिल रहा है और भव्य स्वागत किया जा रहा है। चांदी का मुकुट भी देकर मुझे सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने पूर्व मंत्री राव नरबीर को जनता के बीच आकर डिबेट के लिए भी ललकारा है ताकि जनता को पता चल सके कि कोविड के बाद 2.5 साल में जो राकेश दौलताबाद ने विकास कार्य कराए हैं उनका मुकाबला वो अपने 5 साल के कार्यकाल से करके दिखाएं, अगर हिम्मत है तो। वो जनता को बताएं कि उन्होंने विधानसभा में जनता के कार्यों को लेकर कितनी बार आवाज उठाई। जैसे राकेश दौलताबाद अपने क्षेत्र की आवाज विधानसभा में लगातार उठाते थे। कुमुदनी राकेश दौलताबाद ने कहा कि राकेश दौलताबाद जब विधायक बने तो उनके कुछ समय बाद ही कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन लग गया और उनके कार्यकाल का आधा समय तो इस महामारी से उभरने में ही लग गया, और जब कार्य करने का समय आया और कार्य गति पकड़ने लगा तो ऊपर वाले ने उन्हें अपने पास बुला लिया। बस उन्हीं के अधूरे कार्यों को करने के लिए मैं आप लोगों के बीच आई हूँ। अभी सपने आप देख रहे हैं कि बहुत सारे उन्होंने जनता के सपने पूरे किए थे और बहुत सारे अधूरे रह गए जो मैं शुरू से बता रही हूँ। तो मैं अभी अपनी जनता नहीं कहूंगी, मैं अपने परिवार से मिलती जा रही हूँ और उनसे उनके जो अभी सपने अधूरे रह गए थे वो मैं पूछ रही हूँ और जिनको मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं आगे उनको कराऊंगी। आप हमें वॉच कर रहे होंगे कि हमें किस तरीके से मान सम्मान से कॉलोनी वासी लेके आए हैं। हमें ताज मुकुट पहनाया उन्होंने और पूरी मतलब बच्चे से लेके सबके मुंह पे मतलब राकेश भाई का नाम है आपके, और पूरी जनता चाहती है कि मतलब आगे भी राकेश जी के कार्य हुए और मैं आगे आऊं। मैंने चुनौती इसलिए दी है कि जो कार्य मैंने 2.5 साल में मेरे हस्बैंड ने कराए हैं और जो उन्होंने पहले 5 साल में कराए थे, बस मैं उनका एक वही मैंने जनता से हिसाब मांगा है कि आपको 2.5 साल के कार्य ज्यादा लगे या 5 साल के, तो उसी को देखते हुए आगे अपना कोई नेता चुने। अगर आप जनता से पूछते हैं कि नरवीर जी ने क्या काम कराए और हमने क्या काम कराए, और इलेक्शन का तो सभी बेस्ट कर रहे हैं, अब जनता को चुनना है कि उनके लिए सही क्या है।